एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है फिर से एक मीशो कुर्ता सेट हॉल, क्योंकि लास्ट वीडियो को आपने अच्छा खासा रिस्पांस दिया था, इसलिए मैंने सोचा फिर से एक मीशो कुर्ता सेट हॉल किया जाए। एंड आप लोगों को आई थिंक मीशो की हॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन ऐसा है कि आप लोग को मीशो की हॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने ये सभी कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी रिव्यूज़ वगैरह देख के ही मंगवाई है, क्योंकि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए थी। एंड मैं ऐसा बार बार झंझट नहीं कर सकती हूँ कि पहले मंगवाऊँ फिर रिटर्न करूँ, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के ही इन पार्सल्स को मंगवाया है। एंड आप देख सकते हो, एंड इसमें से एक पार्सल मेरा कैंसिल भी हो गया, आई डोंट नो व्हाई, मे बी रेन की वजह से, क्योंकि रेन के टाइम पे मतलब जुलाई अगस्त के टाइम पे यूजुअली मेरे बहुत सारे पार्सल्स कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज बारिश हो जाती है तो यहाँ पे आ नहीं पाती है पार्सल्स। बट एनीवेज ये सभी पार्सल मैं ओपन करके देखती हूँ, मतलब मैंने आप मतलब मेरा डेडिकेशन देख सकते हो कि मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखा इन सभी पार्सल को। यूजुअली जब पार्सल आती है तो मैं ऊपर आते आते ही पार्सल को ओपन करके देख लेती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। सो देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, एंड जो मैंने एक्चुअल पिक में देख के मंगवाया है क्या वो एक्चुअल है या नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ओपन करके अभी तक नहीं देखा है। सो लेट्स सी। बट या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अब चलते हैं सीधा वीडियो में। सो यार सबसे पहले ओपन करते हैं ये वाली पार्सल को एंड देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा है, या मुझे याद है ये मैंने येलो कलर में कुर्ता सेट मंगवाया था एंड ये मुझको इतना ज़्यादा पसंद था, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी नेकलाइन की वजह से परचेज़ किया था। आई मीन लुक एट इट, कितना प्रिटी लग रहा है ये। एंड मुझे पर्सनली इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मुझे ये मतलब जैसा इमेज में दिख रहा था वैसा ही चाहिए भी था। सो लेट्स सी, यू कैन सी कि ये किस टाइप का है। एंड मैं पहले फटाफट पहन के आती हूँ एंड फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी रिव्यू शेयर करूँगी, इसके फैब्रिक कैसी है एंड ये किस टाइप का पैटर्न है एंड फिट कैसा है इसका। सबसे पहले मैं चेंज करके आती हूँ। सो हियर इज़ द कुर्ता एंड ओ माई गॉड, मतलब मुझे मीशो से ट्रस्ट में इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। ये कुर्ता एक्चुअल में जैसा पिक में दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं इसको पॉइंट्स में अगर देना चाहूँ तो मैं 10 out of शायद इसको 15-20 भी दे दूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्लस इसकी स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इसका पैटर्न आप देखो, यहाँ पे इसकी नेक देखो कितनी अच्छी है, नेक लाइन आप देखो कितनी अच्छी है। प्लस इसमें शायद वी नेक टाइप का कुछ है, वी नेक बनाने की कोशिश की गई है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट एंड आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको, इसके नेक को डिज़ाइन किया गया है। एंड सिर्फ और सिर्फ मैंने इसकी नेक की वजह से ही इसको परचेज किया था एंड ट्रस्ट मी, आप अगर इसको परचेज करोगे तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं फील करोगे, इतना अच्छा प्योर कॉटन में है ये एंड इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। मतलब मीशो से पहली बार इतनी अच्छी आउटफिट आई है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक 500 के अंदर ही थी प्राइस, 505 or 506 समथिंग रुपीज़ थी एंड ये बिल्कुल वर्थ इट है, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। एंड इसकी प्लाजो भी थोड़ी सी मतलब जो ब्रॉड प्लाजो होती है, प्लाजो प्रॉपर प्लाजो टाइप की वैसी है, मतलब एकदम पतली सी नहीं है, शॉर्ट सी नहीं है, थोड़ी सी ब्रॉड है इसकी पैंट, जिसकी वजह से ये इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आ रहा है। एंड बिल्कुल आप बिल्कुल इस कुर्ता सेट को परचेज कर सकते हो, मेरी तरफ से बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास, मतलब आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। ओके सो अब बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट पार्सल की तरफ एंड इसको सब पहले ओपन करके देखते हैं। एंड मुझे एक्चुअली में याद नहीं है कि मैंने कौन कौन सी मंगवाई थी, लेट मी सी कौन सी, ओ वैसे इसकी भी इमेज मुझको बहुत अच्छी दिख रही थी जब मैं पिक देखी थी तो, एंड पिक से ही मुझको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड मुझको ये काइंड ऑफ चिकनकारी कुर्ता के टाइप का लग रहा था, सिर्फ इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया कि मुझको लगा ये चिकनकारी कुर्ता है, तो ये कुछ इस टाइप का है। एंड ट्रस्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको इसकी कलर की वजह से परचेज़ किया, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लग रहा था। सो लेट्स सी क्या ये बिल्कुल सेम है जैसा मैंने पिक में देखा था, बिल्कुल सेम है या नहीं। सो इसकी कलर आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा प्रिटी है, बहुत परफेक्ट। वैसे तो एक्चुअल में जैसी मुझको पिक में दिख रही थी वो थोड़ी सी और डार्क दिख रही थी, बट एक्चुअल में उतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, बट फिर भी ठीक है, ये लैवेंडर कलर का है। सो मैं फटाफट से पहले चेंज करके आती हूँ एंड फिर बात करते हैं इसकी फैब्रिक एंड साइज़ के बारे में। तो ये है नेक्स्ट कुर्ता सेट एंड इसकी फैब्रिक भी प्योर कॉटन है। वैसे एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाने की कोशिश की गई है, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हैं कॉपी करने में, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसमें
एज मतलब मैं पिक यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ, आप देख सकते हो कि नेक पे थोड़ा और ज़्यादा वर्क था और ज़्यादा सुंदर लग रहा था जब मैं पिक में देखी थी। तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बट ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है और उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। एंड इसकी फैब्रिक भी प्योर कॉटन है, इस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हैं। एंड ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये चिकनकारी कुर्ता है, बस ये है नहीं। एंड ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब वर्क, ये सब कपड़े पे ही प्रिंट दिया हुआ है। ऐसा देखने में ऐसा भले ही लग सकता है कि ये ऊपर से थ्रेड वर्क किया गया है, लेकिन ये है बिल्कुल प्रिंटेड कुर्ता। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्रेड से वर्किंग की गई है। एंड पिक में बहुत ज़्यादा वर्क दिख रही थी बट इसमें उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मतलब ये ओके ओके टाइप की आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड पैंट पर थोड़ी सी क्रोशेट वर्क की गई है, वैसे पिक में और ज़्यादा दिख रही थी, और ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। एंड एक्चुअल में बहुत पतली सी लेस लगाई हुई है पैंट में, उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड पैंट भी मेरे को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, जैसा कि पिछले वाला पैंट था वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये इस वाला पैंट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मेरे को फील हो रहा है। एंड कुर्ता फैब्रिक बिल्कुल कॉटन है एंड पैंट की फैब्रिक थोड़ी सी रेयन फैब्रिक में है। सो ठीक ठाक है, अगर आप मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग अगर 400 या 500 के अंदर ही थी, सो इस प्राइस रेंज में मेरे को ठीक लग रही है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे ये ठीक ठाक है, डेली वेयर में भी ठीक लग रही है। बस मेरे को थोड़ी सी इसकी पैंट अनकंफर्टेबल लग रही है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है इसमें। ओके, तो बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ। एंड मैं इसको भी जल्दी जल्दी से ओपन करके देख लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बिल्कुल मतलब ऐसा मेरे को लग रहा था, 3-4 दिन से पार्सल बहुत पहले से आके रखा हुआ था एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि कब मैं वीडियो बनाऊँ, कब मैं इन सबको पहन के देखूँ। ओ वाओ, सो मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सो मैंने पहले ही बताया कि मैंने जो भी कुर्ता मंगवाई है सब कुछ मतलब ऐसा सोच के मंगवाया है कि मुझे पहनना ही है एंड मुझको इसको रखना ही है। मैं रिटर्न का उतना ज़्यादा स्कोप लेके नहीं चल रही थी, सो इसलिए मैंने जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी मैंने उन्हीं सबको मंगवाया है। नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर की कुर्ता सेट एंड इसमें दुपट्टा भी दी गई है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया था कि चलो एक दुपट्टा वाला भी मैं परचेस करके देख लेती हूँ। सो मैं इसको जल्दी जल्दी से वेयर करके आती हूँ एंड फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो जो मैंने पिछला वाला कुर्ता सेट पहना था उसकी मैं पैंट दिखाना भूल गई थी। सो ये इस टाइप की पैंट है एंड इसमें कुछ इस टाइप का पतला सा, बहुत पतला सा लेस दिया गया है एंड पिक में थोड़ा सा ब्रॉड लेस था, जिसकी वजह से ही इस कुर्ता सेट की खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन इसमें बहुत पतला सा लेस दिया गया है, बस यही एक माइनस पॉइंट है इस कुर्ता सेट के बारे में, जो कि एग्जैक्ट मतलब कॉपी करने की बहुत हद तक कोशिश की गई थी लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं बना पाए हैं। काफ़ी हद तक सेम है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है, आप फर्स्ट कॉपी भी उसकी बोल सकते हो। सो अब बात करते हैं इस कुर्ता सेट के बारे में एंड इसको आप सूट भी बोल सकते हो, बिकॉज ये प्रॉपर सेट में आया है इसलिए आप इसको सूट भी बोल सकते हो। एंड मैंने इसको साइज़ मंगवाया है XS, बिकॉज मुझे लगा सबसे स्मॉल साइज़ जो वेबसाइट पे होती है सबसे लास्ट मतलब स्मॉल में वो मुझको अच्छे से आएगी, बट थोड़ी सी मेरे को टाइट लग रही है, आई थिंक मुझको S लेना चाहिए था। एंड मैंने बाकी जो दो कुर्ता सेट्स मंगवाई थी दोनों S साइज़ में थी, जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल थी। ओके, सो सबसे पहले इसकी फैब्रिक की बात करते हैं। ये बिल्कुल प्योर कॉटन फैब्रिक में है, बिल्कुल जो प्योर कॉटन होती है एग्जैक्टली वैसी कड़क वाली कॉटन में है। एंड इसका दुपट्टा एग्जैक्टली शिफॉन टाइप की जो प्रॉपर दुपट्टा आती है बिल्कुल उस टाइप की, बहुत पतली सी, बहुत सॉफ्ट सी दुपट्टा है इसकी, बहुत अच्छा है। एंड इसका पूरे कुर्ता में ऐसे ही सेम प्रिंट दिया गया, आगे भी फ्रंट पे भी एंड बैक साइड पे भी सेम प्रिंट दिया गया है। एंड इसकी पैंट में थोड़ी सी फ्लावर प्रिंट्स दी गई है एंड इसका पैंट भी मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। एंड आई होप कि मैंने एस साइज़ लिया होता तो ये और ज़्यादा सुंदर लगता, और ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा सा मेरे को टाइट फील हो रहा है एंड शायद मैं इसको चेंज करके फिर से एस साइज़ ले लूँ, पता नहीं शायद ले लूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है। एंड इसकी प्राइस आई थिंक 600 के अंदर ही थी, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, इसकी प्राइस 600 के अंदर ही थी। एंड ट्रस्ट मी ये भी कुर्ता सेट बहुत अच्छी है, मतलब दो मुझे को बहुत पसंद आया, एक येलो वाला जो फर्स्ट मैंने दिखाया था वो बहुत अच्छा था एंड ये वाला भी बहुत सुंदर है, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। अगर आप लैवेंडर वाले को थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा थोड़ा सा डाउट लग रहा है उसमें कि मैं शायद उसको रिटर्न कर दूं, बट देखते हैं क्या है, मतलब फिर से मैं एक बार पहन के उसको देखूंगी तब मैं डिसाइड करूंगी। वैसे तो ये वाला कुर्ता सेट ट्रस्ट में बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो एंड मेरी तरफ से ये बिल्कुल पास है, आप ले सकते हो डेफिनेटली। सो मैंने एक और कुर्ता सेट मंगवाया था लेकिन वो ड्यू टू रेन एंड पता नहीं किस वजह से सेलर ने काफ़ी दिनों तक उसको शिपमेंट में डाल करके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आ जाएगा बट काफ़ी दिनों के बाद वो फाइनली एक दो दिन पहले ही कैंसिल हुआ, तब मैंने सोचा कि चलो जो है जितना है इतने ही में वीडियो बनाया जाए। सो या आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिफोर लिविंग एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।